हेलो फ्रेंड, मेरा नाम विराज और आप देख रहे तेरा भाई टेक्निकल। तो आज की वीडियो में आपको बताने वाला, जैसे कि हमने थंबनेल में देखा है कि यार बहुत लोगों को इतनी परेशानी हो रही है एम एस प्लेयर पे लैंग्वेज चेंज करने के लिए। यार मैंने जो वीडियो एक बनाया था, मैंने बहुत सारा ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया है एम एस प्लेयर के रिलेटेड में, उसका एक प्ले लिस्ट भी है। आप प्ले लिस्ट कभी चेक नहीं करते हो, आप प्ले लिस्ट चेक करोगे तब ना पता चलेगा कब कब मेरा वीडियो आता है। आप बोलते हो कि यार ये पुराना वीडियो न्यू वीडियो डालो, तो यार न्यू भी वीडियो आती है, आप देखोगे तब ना। प्ले लिस्ट चेक तो करो एक बार। तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, इसमें एक वीडियो मेरे वायरल हुई है, वो जो कि 8 लाख से भी ज़्यादा व्यूज़ आ चुकी है, उसमें अच्छे अच्छे कमेंट आ रही है। यार वो कमेंट पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगता है, और आपको लगता होगा कि थोड़ा मैं बकचोदी कर रहा हूँ, तो यार चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अगर लेकिन थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन मैं थोड़ा दे दूँ कि लोगों को क्या परेशानी आखिर क्या हो रही है, वो मैं आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो लोग मैं देख रहा हूँ कि यार लोगों को वो जो टूल जो मैंने सेटिंग जो बताया था, जो वीडियो मेरे वायरल हुई जो 8 लाख से भी ज़्यादा व्यूज़ आई है, उसमें लोग ज़्यादातर लोग बोल रहे हैं कि बहुत लोग का तो हो रहा है, लेकिन बहुत कम लोगों का जो कि नहीं हो रहा है। लेकिन यार बहुत रिकमेंड भी कर रहे हैं कि यार वीडियो बनाओ बनाओ, ठीक है। तो मैं आज बताऊंगा कि अगर सेटिंग नहीं मिल रहा है तो एक और ऑप्शन है, जिससे कि आपको क्या क्या करना होगा वो मैं पूरा वीडियो में बताऊंगा आपको, ठीक है। तो सिंपल से आपको इस एमएस प्लेयर खोल लेना है, और सेटिंग में जाने का बहुत सारे तरीके हैं, तो मैं सिंपल शॉर्टकट तरीका मैं आपको बताता हूँ। जो मूवी के साथ सीधा जाकर मूवी ओपन करके आप सेटिंग में जाते हैं तो थोड़ा लेट हो जाता है, तो डायरेक्ट यहीं से आप सेटिंग में घुस सकते हैं। सीधा साइड में आपको क्लिक करना है, सिंपल से आपको नीचे आना है, और जाने के बाद सेटिंग में आपको क्लिक करना है। सेटिंग में जाने के बाद सिंपल से आपको लोकल प्लेयर सेटिंग में आपको क्लिक करना है। इतना करने के बाद सिंपल से अगर आपको ऑडियो में प्रॉब्लम है तो ऑडियो में ही आपको जाना है, और बहुत लोगों में देखा कि जनरल में जाकर ढूंढते हैं और डेवलपर में जाकर ढूंढते हैं, वहाँ नहीं मिलने वाला है, ऑडियो में ही आपको जाना होगा। और ऑडियो में सबसे जाने के बाद सबसे पहले ऊपर आप जो देख रहे हो यहाँ पे ऑडियो प्लेयर जो लिखा है वहाँ पे आपको क्लिक होना चाहिए। फिर उसके बाद ऑडियो आउटपुट में क्लिक करना, और ऑटो सेलेक्ट में ही होना चाहिए, आप देख लेना एक बार ध्यान से। और बाकी नीचे जो सेटिंग है वो एक बार देख लेना। और उसके बाद वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले यार आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब, और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक भी किया करो यार, बहुत मोटिवेट मिलता है अगला वीडियो बनाने के लिए। तो उसके बाद क्या करना है, फिर उसके बाद जो है यहाँ देख रहे हो ऑडियो लैंग्वेज, तो सिंपल से आपको यहाँ क्लिक करना है, और यहाँ पर हिंदी आपको ढूंढना है। और इन्फॉर्मेशन भी ख़त्म नहीं हुआ, आगे भी कुछ बताने वाला हूँ ट्रिक, ठीक है। तो हिंदी में आपको क्लिक करना है, हिंदी जाने के बाद ओके कर देना। तो इससे ये बेनिफिट होता है ना यार, कि अगर सेटिंग में वहाँ पे अगर आपका दिक्कत है तो सीधा अगर हिंदी लैंग्वेज में करके रखोगे तो मूवी अगर हिंदी डब में ऑलरेडी अगर अवेलेबल है तो हिंदी डब में वो मूवी स्टार्ट हो जाएगी। और बहुत लोग पहले तो मैं बोलूँगा यार, अभी मैंने हाल ही में मैंने क्या किया कि एम एस प्लेयर को मैंने अपडेट किया है, तो वो आपको अपडेट करना, अगर अपडेट नहीं हो रहा तो सीधा री डाउनलोड करना, डिलीट करके फिर से आपको प्ले स्टोर जाकर डाउनलोड करना है, फिर आपको जो ऑडियो का ऑप्शन है वो आपको मिलेगा। मैं अभी दिखा रहा हूँ कि कैसे ऑप्शन मिलता है, ठीक है। तो सिंपल से यार बाहर चला गया, तो सिंपल से मैं बैक आता हूँ और मूवी में क्लिक करता हूँ, बैट मैन अभी मूवी आई है तो मूवी में स्टार्ट। सॉरी फ्रेंड, थोड़ा सा यार गाना बज गया, साइड कॉपीराइट आ जाएगा, तो मैं थोड़ा बैक कर लेता हूँ, तो ये मूवी मैं चलाता हूँ, ठीक है। बहुत मोबाइल हैंग कर रहा है। तो जैसे ये है तो सिंपल से मेरा यहाँ पे आप देखो कि म्यूजिक ऑप्शन आ रहा है। यार अगर आप इंडिया से रहते हो, यार मैं भी इंडिया से ही हूँ, तो यार सेम ही सेटिंग होगी ना यार, वो लोगों में देख रहा हूँ सेटिंग लाने में बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। तो देखो यार, सिंपल मूवी ऐसे डाउनलोड करो, वहाँ पर लिखा होना चाहिए हिंदी ओरिजिनल डब या हिंदी डब ऊपर लिखा होना चाहिए, और लैंग्वेज में भी लिखा होना चाहिए हिंदी डब ऑलरेडी है कि नहीं। बहुत लोग क्या करते हैं यार, इंग्लिश मूवी डाउनलोड कर लेते हैं और बोलते हैं हिंदी नहीं हो रहा है। तो सिंपल यहाँ म्यूजिक आप देख रहे हो, यहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों, इंग्लिश करूँ तो इंग्लिश सुना देगा, हिंदी तो हिंदी। तो कभी कभी यहाँ यहाँ से भी नहीं होता है, तो सिंपल से आपको यहाँ से आप चेंज करोगे तो हो जाएगा। जब मूवी ज़्यादा हाई क्वालिटी की होती है तो थोड़ा बहुत दिक्कत हो जाती है, तो यहाँ से आप यहाँ चेंज कर सकते हो। तो यार अगर कोई प्रॉब्लम होती है और इंस्टाग्राम सीधा मैसेज करो यार, सिंपल मैं आपको रिप्लाई दूंगा। तो ये वीडियो यहीं तक, आशा करते हैं वीडियो को अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।